नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए मैं आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस सदर में मेरा उद्देश्य है कि मानसिक बीमारियों के बारे में आप तक सही जानकारी पहुँचे और जो गलत फहमियाँ हैं मानसिक बीमारियों को लेके, ये दूर हो जाए। डिप्रेशन ये एक मानसिक बीमारी है जो किसी को कभी भी कहीं भी कैसे भी सिचुएशन में हो सकती है। वो बूढ़ों से लेके बच्चों से लेके किसी को भी हो सकती है, स्त्री या पुरुष हो, कोई भी आर्थिक परिस्थिति वाला इंसान हो, कोई भी काम करता हो, किसी को भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर हमारे देश का या फिर हमारे दुनिया में जो भी युवा लोग हैं या फिर मध्यम उम्र के लोग हैं, इनमें डिप्रेशन ज़्यादा देखा गया है। और इन लोगों के जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में डिप्रेशन ये सेकंड बीमारी पाई गई है। यह बीमारी जब भी होती है तो उसके साथ शारीरिक बीमारियां भी शुरू होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी प्रतिकार शक्ति, शरीर की प्रतिकार शक्ति यानी जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाता है। और उसकी वजह से शारीरिक बीमारियां शुरू होती है, मल्टी विटामिन डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती है। और काफ़ी लोगों में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स यानी व्यसनाधीनता, नशा करने की आदत बढ़ जाती है। क्या होता है कि लोगों को अपना टेंशन कम करने की या फिर स्ट्रेस कम करने के लिए नशे का उपयोग करते हैं, और उसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर टाइम में उनको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी वो नशा करने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है और उन्हें धीरे धीरे वो आदत लग जाती है और उसकी वजह से तकलीफें शुरू हो जाती हैं। अब ये जो मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति इससे गुजर रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उसके जीने की तरह बदल जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके लाइफ के साथ साथ उसके साथ आजू बाजू में रहने वाले जो लोग होते हैं, फैमिली होती है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। अब ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इससे गुजरते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि ये जो वो गुजर रहे हैं इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये जो लक्षण है डिप्रेशन के, जिसमें मुख्यतः दो लक्षण है, एक तो उदासीनता और दूसरा है इंटरेस्ट चीज़ों में कम हो जाना। इसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी डिप्रेशन के लक्षण इस वीडियो में दी है। तो ये लोगों में पता ही नहीं होता है कि ये जो डिप्रेशन है, ये प्रॉब्लम, ये जो हम फेस कर रहे हैं वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और इसकी हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो बस उससे गुजरते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि जिन्हें समझता है कि हमें टेंशन है या हमें स्ट्रेस है और हमें डिप्रेशन जैसे लक्षण हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास, रादर साइकेट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए हम क्या मेंटल है क्या, उनके दिमाग में समाज के बारे में डर पैदा होता है। जो मानसिक बीमारियों को लेके स्टिग्मा है, उसकी वजह से लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते और वो बस अपने आप को उसमें डालते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी निकालते रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग ये समझें या हम सब लोग ये समझें कि मानसिक बीमारियाँ यानी मन की बीमारियाँ ये शरीर की बीमारियों जैसे ही होती है। जैसे शरीर की बीमारियाँ अच्छी होती है, वैसे ही मन की बीमारियाँ भी ठीक हो सकती है। जैसे हम शरीर की बीमारियों के बारे में खुल के लोगों से बात करते हैं, वैसे ही मन की बीमारियों के बारे में भी हम खुल के लोगों से बात करें, यह समय आ गया है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट जो है ये
डिप्रेशन की तीव्रता के हिसाब से होता है, जो लक्षण से वो गुजर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। अब इसके बारे में भी लोगों के मन में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं कि ये ट्रीटमेंट से आदत पड़ जाती है, ये एक बार ट्रीटमेंट लग गई तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, इससे दिमाग पे असर पड़ता है, हम भूलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से ले, साइकेट्रिस्ट के हिसाब से ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम इससे पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 6 से 8 महीने चलता है, लेकिन आपके लक्षणों के तीव्रता के हिसाब से या जो भी आपकी बीमारी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी समय हो सकता है। तो अगर हम साइकेट्रिस्ट को प्रॉपर फॉलोअप दे, जैसे साइकेट्रिस्ट बोले वैसे दवाई ले, तो कोई भी प्रॉब्लम दवाई से नहीं होगा। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपीज यानी इंडिविजुअल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये अगर थेरेपीज की हम मदद लें, तो हम इससे बाहर आने में मदद मिल सकती है। इसमें तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी शॉक ट्रीटमेंट। अगर मैंने अभी जैसे कहा कि डिप्रेशन के तीव्रता के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है, किसी किसी को डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या के विचार आते हैं, निगेटिविटी बहुत आ जाती है, तो इन लोगों में शॉक ट्रीटमेंट भी एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो ये थी डिप्रेशन के बारे में जानकारी। अगर आपको और जानकारी चाहिए हो या ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए हो, तो मेरा दूसरा वीडियो जो है डिप्रेशन के लक्षण और उपचार या नैराश्य के लक्षण और उपचार, उसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे केकर तुअनकर साइकेट्री नर्सिंग होम इस हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9975726836। धन्यवाद।